अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो गिलास आप देख रहे हैं ये तकरीबन 70 से 80 साल पुराना होगा और ये पेवर पीतल में बनी हुई है। तो आइए आज इसी के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाला है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो गिलास है ये तकरीबन मुख्तलिफ साइज़ में हमारे पास आजकल मौजूद है। जिस तरह ये वाला आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये जो काम हुआ है ये भी हाथ से हुआ है और इसके अलावा ये जो है ये मुकम्मल पॉलिश हुआ है। ठीक है, पुराने ज़माने में जो थे वो बिल्कुल इसी तरह थे, यह अभी अपनी हालत में ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अंदर से भी इसमें ये दो साइज़ है, ये जो है ये छोटा है और साथ में ये जो है ये बड़ा साइज़ है। ठीक है, ये पुराने ज़माने का ग्लास है और ये आजकल आपको बहुत मुश्किल से फॉर सेल मिल सकते हैं। हमारे पास ये हज़ारों की तादाद में पुराने ज़माने का वैरायटी मौजूद है। अगर आपने इसी तरह ये ग्लास ख़रीदना है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने सिर्फ रिन्यूअल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक खूबसूरत ग्लास है। अगर आपको पुराने लुक में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाज़ लोगों का यही क्वेश्चन था कि आपके पास जितनी भी पुरानी एंटीक पीसीज है उसको कुछ न कुछ जो है रिन्यूअल कराया करो। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ हो सकते हैं हम अच्छी तरीके से उसको रिन्यूअल करके और फिर आपके साथ पेश कर लें। तो अगर आपको ये गिलास ख़रीदना है या कम तदाद में या ज़्यादा तदाद में तो आपको बआसानी मिल जाएगा। ये भी आप देख ले, एक फ्लावर सा बना हुआ है और ये भी हाथ की मदद से तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये भी हमने रिन्यूअल किया हुआ है, पेवर पीतल में है और आप ये एक ग्लास भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमारे पास और भी पुराने ज़माने के जितनी भी बर्तन वगैरह है वो मौजूद है। इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे कि वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।